अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उर्दू एक नसर हिस्सा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ कंप्लीट हो गया। आज हम अपने सबक का आगाज़ हिस्सा नज़म से करेंगे, पेज नंबर 2 और हमद नज़म से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ पहले 4 अशार की रीडिंग करवाऊंगी और उनके वर्स मैंने लिखवाऊंगी, फिर मैं आपको दूसरे लास्ट जो हैं 3 बाद में करवा कर तो आपको उसको तशरीह करवा दूँगी। पहला शेर है, उसी ने एक हर्फ कुन हर्फ लफ्ज कुन होजा से पैदा किया आलम दुनिया को, कशाकश तरह तरह की सदाएं आवाज़ हाहू शोरगुल से भर दिया आलम को दुनिया को। कशाकश अंडरलाइन करें, तरह तरह की सदाएं आवाज़ से हाहू शोरगुल की आवाज़ से भर दिया आलम दुनिया को। शेर नंबर 2, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, यानी ज़मीन आसमान का निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला की हुक्मरानी से हुकमत से उसके हुक्म से चल रहा है। बहार जावदानी, बहार जावदानी हमेशा रहने वाली बहार है, उसी की बागबानी से निगरानी, बागबानी को अंडरलाइन करें, बागबानी निगरानी से बहार जावदानी हमेशा रहने वाली बहार जिस पर हिज़ा कभी भी नहीं आती उसकी बागबानी से उसकी निगरानी से। शेर नंबर 3, ज़मीन पर जलवा आरा हैं, जलवा आरा अंडरलाइन करें, ज़ाहिर है मज़ाहिर, मज़ाहिर अंडरलाइन करें, निशानियाँ उसकी कुदरत की, कुदरत को अंडरलाइन करें, ताकत के बिछाए हैं उसी दाता ने, दाता अंडरलाइन करें, देने वाले ने दस्तरखान नेमत के, दस्तरखान नेमत के अंडरलाइन करें, खाने की तरह तरह की नेमतें या खाने की तरह तरह की चीज़ें। शेर नंबर 4, ये सर्द व गर्म, सर्द ठंडा गर्म और गरम, खुश्की तार और पानी, उजाला और रोशनी और तारीकी अंधेरा, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की, या ज़ाते बारी अंडरलाइन करें, अल्लाह ताला की। अभी सिर्फ 4 अशार के आपको मैंने अल्फाज मानी करवाया, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।